स्काउटिंग फॉर ऑल। स्काउटिंग फॉर ऑल यानी स्काउटिंग सबके लिए, हर एक शख्स के लिए स्काउटिंग। पहले समझते हैं कि स्काउटिंग है क्या चीज़। स्काउटिंग एक ऐसी मूवमेंट है जो दुनिया भर के नौजवानों के लिए काम कर रही है, उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए काम कर रही है, उनको उनकी सलाहियतों से आगाह करती है। तो इसी तरीके से स्काउटिंग के अंदर एक ग्रुप होते हैं, वो स्पेशल स्काउट्स के ग्रुप कहलाते हैं, जो डिफरेंटली एबल स्काउट होते हैं उनके ग्रुप होते हैं। तो उनका जब इवेंट होता है उसको कहते हैं एग्नोरी। तो पाकिस्तान में पहली बार होने जा रहा है फर्स्ट इन स्काउट्स एग्नोरी। तो आए आज हम आपको विजिट करवाते हैं एग्नोरी का, आइए। इन बच्चों को हमारा माशरा खुद से मुख्तलिफ समझता है और यही समझा जाता है कि ये हमसे कमतर हैं या इनमें सलाहियतें कम हैं और इनको एक मजलूमियत की निगाह से देखा जाता है। मगर ये बात बिल्कुल ग़लत है कि इनमें सलाहियतें कम हैं, क्योंकि इनमें हमसे ज़्यादा टैलेंट है, इनमें हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इनमें हर चीज़ करने की एक जज्बा और जुनून है। इस वीडियो के एंड तक आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये हमसे बेहतर हैं और ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो आए आज आपको मैं एग्नोरी की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ और फिर इसके बारे में बात करते हैं। स्काउटिंग चला के खिदमत इंसान कर दी। तो आपने देख लिया इन प्यारे प्यारे बच्चों का डांस, इनका कॉन्फिडेंस, इनका जज्बा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं वो किस तरह से कौमी तराने को पढ़ते हैं। आए चलिए। तमाम बच्चों ने इस एग्नोरी में बहुत एंजॉय किया और हर तरह के गेम में हिस्सा लिया, वो टग ऑफ वॉर हो, आर्चरी हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हर तरह के गेम में हिस्सा लिया और इसके अलावा स्काउटिंग के भी बहुत सारे गेम खेले। यही नहीं, इसके अलावा बगैर बर्तन के खाना पकाना, बैकवुड्समैन कुकिंग, वो भी बच्चों ने की और उसमें भी बहुत एंजॉय किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस एग्रोनी में 350 के करीब स्काउट ने शिरकत की और उन्होंने 3 दिन और 2 रातें इसी गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग कैंप साइट कराची पे गुजारी, जहाँ पे इनके लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। इनके साथ फेस पेंटिंग की गई, इसके अलावा इन्होंने मज़े मज़े की ड्राइंग बनाई। इन ड्राइंग में मैं आपको एक और ड्राइंग दिखाता हूँ, जो कि है मेरे चार्ली की ड्राइंग। चार्ली की क्योंकि बर्थडे थी, तो एक डेफ एंड डम गर्ल स्काउट ने चार्ली के लिए एक प्यारी सी ड्राइंग बनाई, जिसमें चार्ली एक्साइटेड हुआ, अपनी हार्नेस पहना हुआ, बेंच के ऊपर खड़ा हुआ है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इन बच्चों की खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, बेनियाज इतना कहता है कोई मौजूद नहीं। दूसरा तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, बेनियाज इतना कहता है कोई मौजूद नहीं। बेनियाज इतना कहता है कोई मौजूद नहीं। समद अल्लाह समद समद अल्लाह समद समद अल्लाह समद कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद। मिलादे चलने काने वाले चमक तुझसे पाते हैं, बेवा कैंप की एक और सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग के कैंप्स लगाए गए, जहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने आके बच्चों का मुआयना किया और उन्हें गाइड किया अच्छी तरह से। ये सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं, बल्कि बाहर से लोग जो आ रहे थे उनके लिए भी सहूलियत मौजूद थी। इसके अलावा बच्चों में गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए, जिसमें एक कप था उसके ऊपर बच्चों की तस्वीर लगी हुई थी। उसके अलावा बहुत सारी मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें, जूसेस पिलाए गए और इसके अलावा बच्चों की सालगिरह भी सेलिब्रेट की। और क्या आपने कभी स्पेशल स्काउट्स का स्पेशल बैंड सुना है? नहीं तो हम आपको सुनाते हैं। और फिर इस तरह इस कैंप और इस वीडियो का इख्तिताम होता है इस गाने के साथ। जैसे रंग भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की प्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता सा कोई।